सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने जय सिंह यादव फार्म पे। जो भी भाई अपने पहली बार कवरेज को देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप भाइयों तक पहुंच सके। आज की वीडियो में दो शानदार पशुधन दिखाऊंगा और आज की वीडियो लेकर के आए हैं जी गाँव बहू अकबरपुर और शुभ नाम श्री भगवान के यहाँ से और जिला जो है रोहतक। बहुत ही शानदार जोटी वीडियो के माध्यम से आप भाइयों के लिए लेके आए हैं। जो भी भाई अपना पहली बार कवरेज को देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप भाइयों तक पहुंच सके और जो भी डिटेल है भाई साहब से लेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। और जी क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो पूरा एड्रेस कंफर्म करा दीजिए अपना। नाम श्री भगवान है जी। जी। गांव बहु अकबरपुर है जी। डिस्ट्रिक्ट रोहतक है जी। जी हरियाणा। तो रोहतक से कितना दूरी पे है जी अपना? रोहतक से हिसार रोड पर 10 किलोमीटर। रोहतक से हिसार की तरफ निकले तो 10 किलोमीटर चलते ही आपका गांव है। हाँ। तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर और बता दीजिए पहले। 80-590-25-300। तो एक नंबर पे जोड़ती है इसकी क्या कुछ डिटेल है जी? या दूसरा ब्याह तो मैं बेहरी है। अच्छा अच्छा। 11 दिन की ब्याई होली। अच्छा। 16 किलो दूध है। 11 दिन की ब्याई 16 किलो दूध मौके पे तैयार है और मल्ला दसाल लगेगी जब 19 किलो करेगी। अच्छा अच्छा। हाँ। अभी मेले से नहीं लगी है तो लगी। जी साथ में कटड़ी है, पहले कटड़ी दिखा देता हूँ आप भाइयों को। बहुत ही शानदार कटड़ी जी, ये देखे शो क्वालिटी की, बिल्कुल पीठ पुट्ठा देखे जी। तो भाई साहब कितना दूध पिलाते हो कटड़ी को? कटड़ी ना तो छकले जो बटा है। अच्छा छकले तब हटाते हैं। 3-4 किलो दूध पी। 3-4 किलो दूध बता रहे हैं भाई। एक टाइम का है दोनों टाइम का? एक टाइम का। एक टाइम का 3-4 किलो दूध पिला रहे हैं जो नाभी है। ये देखे जी अभी भी पड़ा नहीं है और बिल्कुल लंबाई की कटड़ी है। ये देखे जी बहुत ही बढ़िया कटड़ी है। तो भाई साहब कोई पंचायती बुल की है या कोई सीमन की कटड़ी है जी? ये या सरकारी अस्पताल में जो आया करें उनकी है। अच्छा HLEB की सीमन की कटड़ी है। जो टैल है वो भी देखे, गिने चुने सफेद बाल है टैल पे भी और बहुत ही बढ़िया कटड़ी है भाई। पीठ पुट्टा थोड़ा इधर करें भाई साहब थोड़ा। हाँ पीठ पुट्टा काफी शानदार है चौड़ी पीठ की। ये देखे जी बहुत ही बढ़िया। तो थोड़ा खोल करके चलाएं भाई साहब जोटी को। दूसरे ब्यात में है ना भाई साहब? हाँ दूसरे ब्यात में। और दांतों में भाई साहब? दांतों में 6 है, देखी तो सही पर मेरा हिसाब तो। अच्छा 6 होगी। अपने कोई भी भाई अपने पूरी संतुष्टि कर ले। जो अडर है ये देखे जी कल्ला कल्ला थन है, बहुत ही शानदार। इतनी नरम दार है। अच्छा नरम चुवाई की है। सही बच्चा निकाल लो जी। ये देखे जी शरीर पे जस्ता व सिंह, इधर को माले भाई साहब थोड़ा। हाँ बिल्कुल पतली चमड़ी की जी, सिंगल हड्डी की जी। इधर लिया भाई साहब ये देख। हाइट जो मीडियम, और बताना चाहूंगा कि मीडियम जो हाइट का जो पशुधन होता है तो ज्यादा दूध तकरीबन उन्हीं पशु में देखने को मिलता है। चाहे वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला जो पशुधन आप देख सकते हैं या कोई अन्य रिकॉर्ड बनाने वाला पशुधन देख सकते हैं, जितना भी जो मिल्किंग लाइव रिकॉर्ड वगैरह करवाए हैं वो मीडियम हाइट के ही पशुधन ने जो रिकॉर्ड करवाए हैं। तो थनों का गैप आप भाइयों को जरूर दिखा दूंगा। ये देखे जी बहुत ही शानदार जो अडर पे उभरती हुई नसें है ना वो भी देखो जी। ये देखे बहुत ही ज्यादा नसें ले हुए है। छोड़ दे छोड़ दे। ये देखे जी नसों का जाल, थनों पे थनों का गैप है बहुत ही बढ़िया। और दूध वगैरह आप देख सकते हैं भाई किसी प्रकार से रोका नहीं गया है, थनों में कोई धार वगैरह नजर नहीं आ रही होगी। ये देखे जी पूरे अडर पे नशे हैं जी, मुठिया थन है। तो 16 किलो दूध मौके पे तैयार है जी? हाँ 16 किलो तैयार है। अच्छा कट्टे का है? हाँ कट्टे का। कट्टे का 16 किलो दूध मौके पे तैयार है, दूसरे ब्यात की जोटी। और 11 दिन की ब्याई बताई आपने जी है? हाँ 11 दिन की ब्याई है। और लमसम कितना दूध निकाल देगी? 19 किलो दूध तो मल्ले तो चलते ही करेगी। अच्छा मेले से अभी नहीं लगी है, 19 किलो दूध निकाल देगी। बिल्कुल। तो इसका जो
रेट है वो रेट बताएं जी, बिल्कुल जायज से जायज, न तो एक रुपया कम और न ज्यादा, आपका पशुधन सेल हो जाए और लेने वाले भाई को पशुधन मिल जाए। जज बताऊंगा जी, 1,30,000 रुपये। 1,30,000 रुपये, देखे जी 16 किलो काटे का तोल का दूध तैयार है, 11 दिन की ब्याई और प्लस पॉइंट जो कटड़ी है काफी शानदार कटड़ी है, ऐसी ऐसी कटड़ियों के काफी भाई जो 70-70 लाख रुपए मांग लेते हैं, बहुत ही शानदार कटड़ी है और आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया कटड़ी बन के आएगी भाई, और जो मदर है वो भी काफी अच्छी है। तो भाई साहब ये कोई आप लेकर के आए थे, घर की पाली हुई है जी? या घर की पाली हुई, घर की पाली हुई है। तो कोई सिमन की है, कोई पंचायती पुल की है, पूरी जानकारी बताएं जी इसकी। एक महेश ले आया था मैं, उसका नीचे आई थी। अच्छा, उस महेश के नीचे 22 किलो दूध था। अच्छा, इसकी जो माँ है उसके नीचे 22 किलो दूध दिया। कौन से ब्यात में निकाला जी? तीसरे ब्यात में 22 किलो दूध निकाला इसकी माँ ने, और उसके साथ में ये आई थी। तो जहाँ से आप लेकर के आए थे, कहीं भाई ने बताया, कहीं जिस सेली थी इसकी जो माँ? मैंने पूछा नहीं, बाकी या बढ़िया लगी हमने रख ली। अच्छा अच्छा, और आपका भी 16 किलो दूध दे रखा है इसने। अच्छा, पहले ब्यात में 16 किलो दूध निकाल रखे है। और अब की बार 19 किलो दूध की उम्मीद कर रहे हैं? पूरी उम्मीद है, काटेगी जी, काटेगी, बहुत ही बढ़िया। जो ऑर्डर फिर दिखा देता हूँ भाइयों को, ये देखे, बहुत ही शानदार ऑर्डर लिए हुए। ऑर्डर कम जी, शाम का टाइम सुबह 6 बजे चो रहा किया, शाम को 7 बजे। आप अपने फोन में टाइम दिखा दे ताकि कोई भाई कम कमेंट ना करे भाई लमसम में 3:26 हुई है। ये देखे जी, 3:26। तो सुबह किस कितने बजे निकाला दूध जी? सुबह 6 बजे निकाला अगर, और शाम ने भी 6 बजे। तो लमसम 2.5 घंटा और पड़ा इसका टाइम, 2.5 घंटे में तो और भी बढ़िया बना जी। ये देखे जी, काफी शानदार है, ये देखिए ऑर्डर, बहुत ही बढ़िया मुठिया थन है। तो दार चुवाई की नरम जी? एक नंबर की, पड़ोसियों का सुनिया अगर बाल्टी में। अच्छा अच्छा, पड़ोसियों को सुनती है, सही बच्चा निकाल लियो। अच्छा अच्छा अच्छा, और मात्र कीमत 1,30,000 रुपये, बहुत ही बढ़िया। तो दो नंबर पे ये देखिए जी, शरीर पे जस्ता व सिंह, जो थनों का गैप है आगे से पीछे का थनों का, ये देखे जी, और मीडियम हाइट का पशुधन, और जो ऑर्डर है पीछे का ये देखे, काफी साफ सुथरा ऑर्डर लिए हुए। ये देखे, जो मिल्क वैन है, आप पेट के नीचे से सुस्पष्ट देख पा रहे हैं, मोटी मिल्क वैन है, थनों का गैप अच्छा है, और इसके भी जो ऑर्डर पे नशे हैं ये देखे जी। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा इधर करें भाई, थोड़ा खोल कर उधर चला ले, बहुत ही बढ़िया। तो कौन से ब्यात में जिया? या दूसरे ब्यात में। अच्छा अच्छा, दूसरे ब्यात में है। और कितने दिन की ब्याई होगी? या 2.5 महीने की। 2.5 महीने की ब्याई होगी। तो बच्चा क्या है जी साथ में? कटड़ा। साथ में कटड़ा है, कटड़ा भी बहुत ही हेल्दी है भाई, ये दिखा देता हूँ आप भाई को, ये देखे, शानदार कटड़ा है। तो कटड़ा कोई सिमन का है क्या जी? अपना पंचायती पुल है, बहुत बढ़िया। अच्छा, गांव का पंचायती पुल का कटड़ा है, अच्छा पुल है, बढ़िया। थोड़ा इसको खोले, शरीर पे जस्ता हुआ सिंह, बिल्कुल रिंग सिंह, ये देखे, ये देखे, ये भी ऑर्डर बहुत ही बढ़िया लिए हुए भाई। पेट पुट्ठा काफी शानदार है, साफ सुथरा पशुधन, मीडियम हाइट, लंबाई बहुत ही बढ़िया, ये देखे, तो 2.5 महीने की ब्याई होगी भाई साहब। इधर ले लें, फुट पे ले लें। अच्छा, घुमा लो। थोड़ा हाँ एग्रेसिव हो रही है। तो भाई सब कोई भाई बाहर से आते हैं या नहीं आते हैं? थोड़ा हाँ एग्रेसिव हो रही है देख के। ये देख जो अडर की बनावट है, तो भाई साहब थोड़ा हाँ ये थन है ना, एक थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है भाई साहब, क्या कुछ बड़ा ही है या वैसे दिखाओ? वैसे दूध रह रहा होगा। अच्छा, दूध रह रहा होगा। ये फिर से दिखा देता हूँ, थोड़ा इधर और करें भाई, पूरी संतुष्टि हो जाए भाई अगर। ये देखिए, तो भाई साहब का कहना भी थोड़ा धार रह रही होगी, थोड़ा और खोल ले एक बार, ऑर्डर फिर से दिखा देता हूँ ताकि कोई भाई अपने पूरी संतुष्टि कर ले भाई पशुधन को देख के। इधर घुमा ले, इधर घुमा ले,
अच्छा अंदर जाने के लिए, ये देखे बहुत ही बढ़िया, काफी लिया है भाई साहब, पीठ पुट्ठा काफी शानदार है, ये देखे बहुत ही बढ़िया। तो भाई साहब ढाई महीने की ब्याई होगी और मौके पे दूध कितना है इसका? 14 किलो। 14 किलो कट्टे का तोल का है? हाँ बिल्कुल। ढाई महीने की ब्याई में 14 किलो दूध मौके पे तैयार है, बहुत ही बढ़िया। बांधो भाई साहब, यही बांध दो। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। पशुधन है, थोड़ा बहुत अग्रेसिव हो जाता है, और टैल पे भी जो गिने चुने बाल नजर आ रहे हैं, ज्यादा सफेद नहीं है टैल, थोड़ा इधर कर दे। और ये देखे 14 किलो दूध मौके पे तैयार है, साफ सुथरा पशुधन। तो भाई साहब प्रेग्नेंट वगैरह हो रही है? ना प्रेग्नेंट नहीं हो रही। अच्छा अभी नहीं हुई है। तो ये भी लेके आए हो या घर की पाली हुई है जी? या खुराकी ले आया। अच्छा पहले बैत में लेके आए। तो कितना दूध दिया जी पूरी बिक पे पहले बैत में? पहले बैत में 16 किलो। पहले बैत में 16 किलो दूध निकाला है? हाँ, और तो, भी 19 किलो दूध था। अच्छा ब्याई जब है? तो अब 14 किलो है, कारण क्या है जी? वो चीचड़ वाला टीका लगा दिया दया गाय खेरी। अच्छा, जो जो चीचड़ हो जाते हैं उनके लिए जो इंजेक्शन लगवाया भाई ने, ये देखे जो गांठ नजर आ रही है थोड़ी, तो भाई साहब पिघल जाएगी, ऐसे ही रहेगी गांठ? इसको डॉक्टर ने बर्फ मसल दिया, बर्फ मसलाएंगे जब पिघलेगी। अच्छा बर्फ लगाओगे तभी पिघल जाएगी। तो भाई का कहना है, अभी डॉक्टर ने बता दिया बर्फ इसको लगानी चाहिए, और लगानी चाहिए थी भाई साहब, आप थोड़ी डील कर रहे हो। खेती का काम है कोन्या। अच्छा अच्छा, खेती बाड़ी का ज्यादा काम है। तो अब की बार 19 किलो दूध निकाला इसने भी? हाँ बिल्कुल 19 किलो जी जी। अगली बार क्या कुछ उम्मीदें कर सकते हैं इससे? अगली बार तो न्यू मान लो 20+ रहेगी, 21-22 किलो। अच्छा 21-22 किलो दूध दे देगी। हाँ। तो साथ में कटड़ा है और साफ सुथरा पशुधन। तो इसका आज मौके पे 14 किलो दूध है, तो आज इसका क्या कुछ मोल भाव जी? इसका 98,000 रुपये। 98,000 रुपये, ये देखे जी 14 किलो दूध है, और जो कीमत है वो मात्र 98,000 रुपये रखी है भाई ने, साफ सुथरा पशुधन। और ये देख रोटी देखे जी, बिल्कुल शरीर पे जस्ता हुआ सींग, बहुत ही काफ़ी शानदार जोटी है भाई। इस जोटी की जो कीमत है भाई ने बताई, मात्र 1,30,000 रुपये, बहुत ही शानदार जोटी है भाई। नीचे का जो सिस्टम है वो काफ़ी साफ सुथरा देखने को मिला। तो भाई साहब अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिर से और बताएं जी। 80-590-25-300। तो ये भाई का कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी भाई अपना लेने का इच्छुक हो, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम अपना हाथों से चुआई करके पूरी संतुष्टि करके पशुधन ले। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करें। सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार।